सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सर्वशाहूनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासन, जैनम जयतु शासन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे ततस्मि कर्मण, तस्मि संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तेजिता सहज स्वभाव निज, हुए कर्म हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रण मो मिले प्रकाश, प्रण मो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है, इष्ट का उपदेश देने वाला है और इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, इष्ट को समझाने वाला है, इष्ट का श्रद्धान कराने वाला है। ऐसा ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ बहुत सहज और सरल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी 9 गाथाओं पर चर्चा हो चुकी है। इन 9 गाथाओं में पिछली गाथा में हमने देखा था कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इन शरीर आदि पर पदार्थों से, शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि सारे पर पदार्थों से आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है, उनको अपना मानना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि उनको अपना मानना भ्रम है और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। इसीलिए यदि आपको दुखी नहीं होना है तो भ्रम को दूर करें। उनमें जो अपनेपन की मान्यता है, अपनेपन का जो भ्रम है, उसे अपनेपन के भ्रम को दूर करें। इस प्रकार की बात गाथा 9 में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कही थी कि जिनको तू हितकारी मानता है कि ये मेरे हितकारी हैं, ये मेरे अपने हैं, वो वास्तव में अपने नहीं है, वो वास्तव में हितकारी नहीं है, वो वास्तव में हित करने वाले नहीं है, क्योंकि जगत में किसी में भी मेरा हित करने की सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार की बातें हम पिछली गाथा में कर चुके हैं। अगली गाथा की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, अहित वर्ग के संबंध में भी मैं दृष्टांत दूंगा, ऐसा जोड़ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हित वर्ग के बारे में तो मैंने बात कर दी, जो आपको हितकारी लगते हैं, जो आपको अपने लगते हैं, उनके बारे में तो मैंने बात कर दी कि वो अपने नहीं है। अब जो अहितकारी लगते हैं उनके संबंध में यह बात कहने जा रहे हैं, अर्थात शत्रुओं के प्रति ये हमारा शत्रु है, अहित करता है, अहित का करने वाला है, ऐसा भाव भी अज्ञान जनित है। यह दृष्टांत द्वारा आचार्य बतलाते हैं कि जो हम जिनको हम शत्रु मानते हैं, जिनको हमें ऐसा लगता है कि हमारा अहित करने वाले हैं, ये भी वास्तव में जो भाव है वो कैसा अज्ञान जनित भाव है। क्यों अज्ञान जनित भाव है? क्योंकि अहित का कर्ता परद्रव्य नहीं है। तो यहाँ वही दृष्टांत द्वारा यहाँ आचार्य बतलाते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। गाथा नंबर 10 को पढ़ते हैं। बेराधक कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति, त्रैगुणं पापं पदभ्याम शैमे दंडेन पाप्यते। दंडेन है, डडेन नहीं है, वो डिफरेंट है इसमें सारा। बेराधक कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति, त्रैगुलं पातन पदव्यायाम स्वयं दंडेन पाद्यते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? विराधक है अर्थात विराधना करने वाला, विराधना करने वाला विराधक जीव,
अर्थात जिसने विराधना की है, किसकी विराधना की है? अपने स्वरूप की विराधना तो की ही है, अपने स्वरूप की विराधना के साथ साथ जिसने पर की विराधना की है, ऐसे जीव की यहाँ बात कर रहे हैं कि वो विराधक जीव जो है, वो विराधक जीव क्या करता है? हंत्रे जनाए, वह जो विराधक जीव है वह हंत्रे अर्थात मारने वाला, जनाए अर्थात पुरुष, उस मारने वाले पुरुष पे कथम क्यों परिकुप्यति क्रोध करता है? कि विराधक जीव मारने वाले पुरुष पे क्रोध क्यों करता है? क्या कह रहे हैं आगे देखो, त्रंगुलम, ये भी त्रय क्रयगुणम नहीं है, त्रंगुलम है। त्रंगुलम को पदभ्याम पैरों से पातियन नीचे गिराने वाला, ये एक एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, हम कहें त्रंगुलम होता है, जैसे फावड़ा होता है ना, फावड़ा मजदूर फावड़े से जमीन को खोदता है, ऐसा ही ये फावड़ा टाइप का है, लेकिन फावड़े में तो सरफेस बिल्कुल प्लेन है, वो फावड़े में तीन प्रकार वो बने रहते हैं ना अलग अलग, किस प्रकार का फावड़ा आता है उसमें तीन बने रहते हैं ऐसे अलग अलग, उस वो वाला ये इंस्ट्रूमेंट है त्रंगुलम। तो यहाँ कह रहे हैं त्रंगुलम को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य स्वयं डंडे दंड द्वारा पात्यते नीचे गिरता है। क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया होगा एग्जाम्पल, देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो देखो इसका हिंदी पढ़ लेते हैं, त्रास दिया तब त्रस्त अब क्यों हंता पर को, अपराधी भी स्वयं झुके हो जब दंड प्रयोग। क्या कह रहा है यहाँ देखो, फिर एग्जाम्पल ही देख लेते हैं कि जैसे त्रंगुलम नाम का जो मैंने बोला फावड़ा है एक टाइप का, जिसमें तीन ऐसे वो बने हुए हैं, जब वो मजदूर जमीन को खोदता है तो क्या करता है, जब वो जमीन को खोदता है तो उस त्रंगुलम को नीचे लेके जाता है, नीचे गिराता है उसको, ऐसे खोदता है ना उसको तो नीचे गिराता है, लेकिन जब वो नीचे गिराता है उस समय क्या होता है कि जब वो उसको गिराता है तो खुद भी झुकता है अर्थात खुद भी गिरता है। एग्जाम्पल समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं दूसरों को गिराने वाला स्वयं गिरता ही है, जैसे त्रंगुलम को पैरों से नीचे गिराने वाला, पैरों से नीचे लेके जाता है ना जमीन को खोदता है, तो जमीन को खोदता है तो पैरों से नीचे खुद भी झुकता है पूरा, तो दूसरों को झुकाने वाला, दूसरों को गिराने वाला स्वयं गिरता ही है। ऐसी यहाँ बात कह रहे हैं कि विराधक विराधक जीव जिसने विराधना की है, स्वरूप की विराधना की है और अन्य की विराधना की है, अर्थात अन्य को परेशान किया है, अन्य को परेशान करने वाला जीव, या हम कहें जिसने स्वरूप की विराधना के कारण कर्मों का बंद किया है, तो कर्मों के उदय काल में वैसी व्यवस्था तो स्वयं बनती ही है। अब हम कहें देखो यहाँ ओवरऑल बात क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई हमको मार रहा है तो उसमें मारने वाले की गलती नहीं है, कोई हमको गाली दे रहा है तो उसमें गाली देने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि हम विराधक हैं, हमने विराधना की है अपने स्वरूप की तो की ही है, लेकिन हमको कोई गाली दे रहा है इसका मतलब है कि हमने उसको गाली दी है। एक फेस में लॉ आता है ना, एक्शन की रिएक्शन होती है, ये वैसा ही है कि हमको रिएक्शन मिल रही है, इसका अर्थ है कि हमने एक्शन किया है, आज नहीं किया है तो पूर्व हमने किया है, लेकिन हमने एक्शन किया है और एक्शन करने वाले को रिएक्शन मिलती है। जिसने किसी का बुरा किया है उसको उसके साथ बुरा होता ही है, जैसा हम करते हैं, जैसा कहते हैं ना कि बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, कि पेड़ बबूल का बोया है तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलने वाला, हम सोचे कि बबूल क्यों मिल रहा है हमको, कि बबूल इसलिए मिल रहा है कि तुमने बबूल का पेड़ बोया था, आम का पेड़ नहीं बोया था, आम का पेड़ बोते तो आम मिलते, बबूल का पेड़ बोओगे तो बबूल मिलेगा। वैसा ही है यहाँ भी, वही कहना चाह रहे हैं, विराधक जीव जिसने विराधना की है, अन्य जीवों की विराधना की है, अन्य जीवों को हैरान किया है, परेशान किया है,
गाली गलौज की है, मारा है, पीटा है, तो आज प्रत्युत्तर में वो तुमको मारेगा पीटेगा। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि वो आयत करता नहीं है, वो आयत नहीं कह रहा है। वास्तव में विचार करके देखें हम तो इस प्रकृति में किसी भी जीव के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होता। हम सोचें कि भैया ये पत्थर ऐसे बने हुए हैं, पत्थर क्यों बन गए? हम विचार करके देखें कि पत्थर क्यों बन गए। हम तो देखो जीव है, पत्थर क्यों बने? कि भैया पत्थर ये बता रहे हैं कि हमने कठोरता का त्याग नहीं किया था। यदि कठोरता का त्याग नहीं करोगे, परिणामों में कठोरता रखोगे, तो प्रकृति तुमको ऐसे बना के रखेगी, कठोरता बना के रखेगी। पाषाण क्या कह रहा है कि भैया विनम्रता लाओ, मार्दव गुण को लाओ अपने अंदर। पत्थर ये संदेश दे रहा है, प्रकृति का एक एक पदार्थ आपको संदेश देता है कि तुमने विराधना की है, इसलिए जो भी आज मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, जैसा भी संयोग हो रहा है तुम्हारे साथ, वो संयोग तुम्हारी विराधना का फल है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। जैसे वो आता है ना भजन, ये देखो देखो ये है जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उस बारे भजन में। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनर्म हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो, बहते हुए झरने कहें दो मिथ्या को मल, देखो देखो यह है जीव की विराधना का फल। कि एक एक पदार्थ ये कह रहा है हमसे कि भैया हमने विराधना की थी, इस विराधना का हमको ये फल मिल रहा है, यदि आप भी विराधना करोगे तो आपको भी ऐसा ही फल मिलने वाला है। कोई जगत में किसी का अहित करने वाला नहीं है, इसे इसके हित का करता चाहे अहित का करता ये जीव स्वयं है। इसी जीव ने यदि हित रूप परिणाम किए हैं तो हित होगा, अहित रूप परिणाम किए तो अहित होगा। स्वरूप की आराधना से हित होगा और स्वरूप की विराधना से अहित होगा। तो भाई यहाँ कह रहे हैं ये तो विराधक जीव है, ये विराधक जीव मारने वाले पर क्रोध क्यों करता है? अच्छा बताइए, कोई हमको मार रहा है, कोई हमको गाली दे रहा है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा तो आना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है ये तो, कि गुस्सा आएगा कोई हमको गाली दे रहा है तो। यहाँ कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि कोई तुमको गाली दे रहा है ना, तो इसमें गाली देने वाले का दोष नहीं है। किसी ने तुमको गाली दी तो गाली देने वाले का दोष नहीं है इसमें, इसमें दोष आपका है। क्यों दोष मेरा है? कि मैंने पूर्व भवों में उसको गाली दी होगी, इससे प्रत्युत्तर में उसको गाली मिल रही है। मित्र को यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी वास्तव में क्रोध को जीतने का उपाय बता रहे हैं कि क्रोध को किस प्रकार से जीता जाए, किस प्रकार से कषाय का अभाव किया जाए, किस प्रकार से समता भाव को प्रकट किया जाए, उसका उपाय यहाँ एक लाइन में बता रहे हैं कि ये तेरी विराधना का फल है। देखो कोई हमको गाली दे रहा है ना, किसी ने हमको गाली दी, किसी ने हमको चोर बोला, किसी ने हमको पापी बोला, किसी ने हमको दुष्ट बोला, किसी ने हमको कुछ भी बोला, जो भी बोला हो, एस वाई जे, जो भी बोला हो, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो उसकी गलती नहीं है। देखो रत्न शापाचार में भी उत्तम क्षमा धर्म के प्रकरण में ये विषय आया है, इस प्रकार का विषय, क्रोध को जीतने का उपाय, इस प्रकार की मैं हेडिंग है उत्तम क्षमा धर्म में, दूसरे पेज पे आया उत्तम क्षमा धर्म, यहाँ से प्रारंभ होता है उसके दूसरे पेज पे नीचे नीचे, क्रोध को जीतने का उपाय। तो वहां पे ऐसा कहा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव आपको दुर्वचन कह रहा है, गाली दे रहा है, चोर कह रहा है, अन्यायी पापी कह रहा है, जो भी कह रहा है, उस समय ये विचार करना चाहिए कि मैंने अपराध किया है या नहीं किया। अपने अपराध का विचार करना चाहिए, मैंने अपराध किया है कि नहीं किया। कोई मुझको चोर कह रहा है तो ये विचार करो मैंने चोरी की कि नहीं की। यदि मैंने चोरी की है तो इसका चोर कहना बिल्कुल जायज है, इसको चोर कहना ही चाहिए। यदि मैंने चोरी की है तो इसको चोर कहना ही चाहिए। वहां तो बहुत सारी बातें, कहीं इस भव में नहीं की हो, पूर्व भव में की होगी चोरी, इस भव में चोरी नहीं की, वर्तमान में चोरी नहीं की, भूतकाल में की होगी चोरी,
तो मैंने भूतकाल में कभी ना कभी अनादि काल से लेकर अनंत काल बीत गया, उसमें कहीं ना कहीं चोरी की होगी, तो ये उसको चोर कह रहा है तो क्या गलत कह रहा है? चोर चोर को चोर ना कहें, चोरी करने वाले को चोर ना कहें, तो ये अन्याय है कि चोर को चोर कहना अन्याय है? कि चोर को चोर, चोरी करने वाले को चोर कहना तो न्याय है, ये तो मेरे साथ न्याय कर रहा है, ये मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। कि अरे ये मुझे अधर्मी कह रहा है, कि मैंने अधर्म किया कि नहीं किया? कोई ये कहे भैया तुम तो अधर्मी हो, तो मैंने अधर्म किया कि नहीं किया? मैंने धर्म से विरुद्ध कार्य किया कि नहीं किया? यदि मैंने धर्म से विरुद्ध कार्य किया है तो इसका अधर्मी कहना जायज है, इसका अधर्मी कहना न्याय संगत है, ये तो न्याय कह रहा, अन्याय कहाँ कह रहा है मेरे ऊपर? अरे वहां तो ऐसा लिखा सुदासु जाल जी ने कि अभी तो ये मुझे गाली दे रहा है बस, अभी तो ये मुझे चोर ही बोल रहा है, लेकिन मेरा अपराध तो बहुत बड़ा है चोरी करने का, यदि ये मुझे मारे पीटे तो भी कम है। इस प्रकार की बातें वहां पे कही है, मीन्स विचार करके देखें, और अपराध नहीं किया है, अब मैंने चलो अपराध किया है तो हम सहलेंगे, ऐसा भी कोई कह सकता है कि यदि हमने चोरी की है और कोई हमको चोर कह रहा है तो हम सहलेंगे, हमने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है कोई हमको अधर्मी कह रहा है तो हम सहलेंगे, लेकिन यदि हमने चोरी की ही नहीं और फिर कोई हमको चोर कह रहा है तो कैसे सहें? तो वहां पे ऐसा लिखा कि जब तूने चोरी की नहीं तो भी तुझे क्यों फर्क पड़ता है चोर कहने से? ये चोर शब्द तो तेरे अंदर नहीं घुसा, चोर शब्द उसने कहा, शब्द उसके हैं, परिणाम उसके हैं, ये होठ जीवा सब कुछ उसका है, तेरा है कहाँ वहां पे कुछ भी? तो तू क्यों बेमतलब का क्रोधित होता है, तू क्यों बेमतलब का क्रोध करता है? इस प्रकार की बातें शंकराचार्य जी में की हैं, वो तो बहुत बड़ा प्रकरण है, 3-4 पेज का प्रकरण लिया है क्रोध को जीतने के उपाय में, वो तो आप वहां से देखना। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि विराधक जीव मारने वाले के प्रति क्रोध क्यों करता है? हम क्रोध क्यों कह रहे हैं? हमको किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, तो यहाँ कह रहे हैं वो अपशब्द तूने कहा था उससे, इसलिए वो तुझसे कह रहा है, इस वम में नहीं तो पूर्व पूर्व में किया होगा। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी कहा ना प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, मैं प्रत्येक जीव के साथ न्याय होता है, ये प्रकृति ऐसी है, ये प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, ये कर्म न्यायवान है, ये तो हम ही हैं जो ज्ञानवान होने के बाद भी अन्याय करते हैं, वास्तव में ये कर्म इतने न्यायवान है ना, तो निष्पक्ष चलती है ना, कोई घुसखोरी है यहाँ पे, यहाँ तो जैसा किया है वैसा भरना ही पड़ेगा, उसमें किसी की नहीं चलेगी, तुमने विराधना की है तो तुमको रिएक्शन मिलेगी। अब हम यदि रिएक्शन करने वाले पे गुस्सा करें तो ये हमारी गलती है, ये ऐसा है जैसे मान लो एग्जाम्पल से बात करें, यदि हम बहुत बारी एग्जाम्पल देता हूं मैं कि हमको फीवर आ रहा है, 105 डिग्री का फीवर है, 105 डिग्री का फीवर है और थर्मामीटर में नापा हमने, अब थर्मामीटर ने क्या बताया कि थर्मामीटर ने बताया 105 डिग्री का फीवर, अब हमको गुस्सा आ गया थर्मामीटर पे कि 105 डिग्री का फीवर दिखा रहा है, तोड़ दिया गुस्से में हमने थर्मामीटर को, हमने थर्मामीटर को गुस्से में तोड़ दिया, ये हमारा निर्णय, ये हमारा कार्य सही था कि गलत था? थर्मामीटर को तोड़ना चाहिए था क्या हमको? उसमें थर्मामीटर की गलती क्या थी? कि उसमें थर्मामीटर की कोई गलती नहीं है, थर्मामीटर की तो वो तो पुद्गल है, उसको क्या फर्क पड़ता? क्या कह रहे हैं आप? वो तो पुद्गल है। जड़ है वो, तो उसको तोड़ दो, कुछ भी कर दो, नहीं अभी मैं गलती जड़ पुद्गल की बात नहीं कह रहा, मैं एग्जाम्पल दिया था, तो एग्जाम्पल में गलती तो तो हमारी है, वो हाँ, बिल्कुल तोड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं कि वहां पे फीवर हमको आ रहा था, तो फीवर हमको आ रहा था, वो थर्मामीटर तो सिर्फ ये बता रहा था कि तुमको फीवर है, थर्मामीटर ने क्या बताया कि थर्मामीटर ने तो ये बताया तुमको 105 डिग्री का फीवर है, इसमें थर्मामीटर की तो रंच मात्र भी गलती नहीं है। वैसे ही कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मुझे चोर कह रहा है, कोई मुझे पापी कह रहा है, कोई मुझे अन्यायी कह रहा है, कोई मुझे अधर्मी कह रहा है,
तो इसमें कहने वाले की गलती नहीं है, वो कहने वाला तो थर्मामीटर की तरह है, वो सामने वाला जो गाली दे रहा है ना, क्रोध कर रहा है, वो तो थर्मामीटर की जगह पे है। वास्तव में वो ये बता रहा है कि तुमने पूर्व भवों में मुझे गाली दी थी, तूने पूर्व में मुझे अन्यायी बोला था, तूने पूर्व के भवों में मुझे चोर बोला था, इसीलिए आज मैं तुझसे चोर बोल रहा हूँ। वो तो जो तूने किया, जो तेरे पास है कर्म का उदय, उस कर्म के उदय को दिखा रहा है। गाली देने वाला क्या कर रहा है, मेरे कर्म के उदय को दिखा रहा है। जैसे वो थर्मामीटर मेरे फीवर को दिखा रहा है, मेरी बॉडी के टेम्परेचर को दिखा रहा है, उसमें थर्मामीटर की गलती नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं ये विराधक जीव है, जैसे वो बुखार वाला जीव है वैसे यहाँ विराधक जीव है। अब वो विराधक जीव उस 105 डिग्री टेम्परेचर दिखाने वाले थर्मामीटर पर क्रोध क्यों करता है? तो वैसे यहाँ कह रहे हैं ये विराधक जीव इस मारने वाले पे, गाली देने वाले पे, पापी कहने वाले पर क्रोध क्यों करता है? कि क्रोध करना इसका जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि गलती क्रोध उसकी है नहीं ना, सामने वाले की गलती, गलती मेरी है और मैं क्रोधित हो रहा हूं, मैं अपनी गलती पर क्रोधित हो रहा हूं, उसको क्या कहेंगे? भाई मेरी गलती है और मैं क्रोधित हो रहा हूं, भाई दूसरे की गलती हो तो क्रोध कहना बनता है, तो फिर क्रोध की बात बनती है। ये दूसरे की गलती ही नहीं है तो क्रोध क्यों करें? गलती मेरी है, अब मेरी गलती है और मैंने क्रोध किया तो क्या किया? जैसे मेरे असतः कर्म का उदय है, असतः कर्म का उदय आया, इसलिए सामने वाले मुझे गाली दी। अब उसमें गलती किसकी है? मेरी, मैंने असतः कर्म बांधा था, असतः कर्म बांधने की गलती मेरी है। अब मैंने अपनी गलती होते हुए भी सामने वाले पे क्रोध किया तो मैंने क्या किया? जो असतः कर्म का उदय आया था वो तो भोगना ही है, वो तो गाली सुननी ही है, वो तो सामने वाले का गुस्सा, सामने वाला जो भी कह रहा है वो सब सुनना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने क्रोध करके क्या किया? दोबारा से एक नया असाता बांध लिया, दोबारा से एक नया असाता कर्म बांध लिया। तो मैंने क्या किया वहां पे क्रोध करके? मैंने क्रोध करके एक और व्यक्ति को आमंत्रण दे दिया, भैया तुम भी आओ मेरे गाली पे। मैंने गाली देने वाले पर क्रोध किया तो मैंने क्या गलती की उसमें? मैंने गलती ये की, मैंने एक और जीव को आमंत्रण दे दिया, इस वम में नहीं तो अगले वम में आ जाएगा, एक और जीव को आमंत्रण दे दिया मैंने कि भैया तू भी आके गाली दे देना मुझे। इस प्रकार की गलती कर दी मैंने कि क्रोध करने वाले के प्रति क्रोध करके, अर्थात गाली देने वाले के प्रति क्रोध करके, मैंने एक और नए व्यक्ति को आमंत्रण दे दिया गाली देने के लिए। अब ये मैंने, ये मेरा निर्णय, ये मेरा कार्य सही है कि गलत है, विचार करके देखें हम। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि ये विचार करना कि हमने विराधना की है, ये हमारी विराधना का फल है, हमारी विराधना के फलस्वरूप ये आया है, जो भी आया है। भाई कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो गरीब क्यों है? अरे अब क्या करें, देखो वो तो इतना अमीर हो गया, हम इतने गरीब हो गए, कि भैया विराधना का फल है। अरे कोई मेरा धन चुरा के ले गया, तो धन चुरा के ले गए तेरी विराधना का फल है, ये उसकी गलती नहीं है धन चुराने वाले की। वास्तव में उस धन का तुझसे वियोग होना था और उसके पास संयोग होना था। अब देखो यहाँ पे ऐसा मत नहीं समझ लेना, एक यहाँ पर स्वच्छंदी होने का भी पूरी पूरी व्यवस्था है, स्वच्छंदी होने की भी क्या व्यवस्था है कि अच्छा तो गाली देने वाले कोई गलती नहीं है, तुम खूब गाली दिया करे सामने वाले को, गाली देने वाले गलती नहीं होती ना, गलती तो किसकी होती है? जिसको गाली दी जा रही है उसकी गलती होती है, जिस पे क्रोध किया जा रहा है उसकी गलती होती है। तो हम खूब क्रोध किया करें, खूब गाली दिया करें कि चढ़ना नहीं हो, उसकी परमिशन नहीं देता। क्यों 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 नहीं देता? क्योंकि आज मान लो आपके साता का उदय है, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, आप पे कोई क्रोध करने वाला नहीं है और आप दूसरों पे क्रोध कर रहे हो, तो क्या होगा कि आज आप क्रोध कर रहे हो, कल सामने वाला आप पे क्रोध करेगा, सामने वाला आप पे क्रोध करेगा। फिर भाई जैसे उसमें आती है ना पैरी डाल में, कि कभी तो ये निर्बल हो जाता है और सबर पशु इसको खा जाता है,
कभी ये सबल हो जाता है और वो निर्बल बन जाता है तो उसको खा जाता है। तो ये तो जन्म मरण और इस संसार की व्यवस्था है, कभी कोई निर्बल होता है, कभी कोई सबल होता है, कभी कोई क्रोध करने वाला होता है, कभी कोई गाली सुनने वाला होता है, कभी कोई गाली देने वाला होता है, गाली देने वाला गाली सुनने वाला बन जाता है, गाली सुनने वाला गाली देने वाला बन जाता है। ये तो व्यवस्था है। तो इस चैन को तोड़ना पड़ेगा हमको। यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि ये चैन कंटिन्यू चल रही है। अब क्या कर रहे हैं, ये चैन चल रही है तो चलने दें चैन को, कि उसने हमको गाली दी, हम उसको गाली देंगे अगले भाव में। कि ये चैन यहाँ तोड़नी पड़ेगी। उस चैन को तोड़ने की बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी कि भाई उस समय ये विचार कर कि तेरी विराधना का फल है, अब मैं विराधना नहीं करूंगा, अब मैं अपने स्वरूप की आराधना करूंगा, अब मुझे अपने स्वरूप की आराधना करनी है। स्वरूप की आराधना करने वाले संताभाव रखते हैं और स्वरूप की आराधना नहीं करने वाले क्या करते हैं, विराधना करते हैं। विराधना करते हैं तो फिर अगले भाव वही फल पाते हैं। कभी कोई मान लो जैसे उसमें भजन पड़ा था ना परसों, कि जिसके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता है बनाना पड़ा। क्या हुआ यहाँ पे कि तुमने मान लो कुछ अन्याय किया पुत्र पे, या पुत्र ने पिता पे कोई अन्याय किया, या पिता ने पुत्र के प्रति कोई अन्याय किया, तो अगले भाव में क्या हुआ कि पिता तो बन गया पुत्र और पुत्र बन गया पिता, तो उसकी रिटर्न रिटर्न मिल गया पूरा। उसने उससे अन्याय किया था, उसके अन्याय कर रहा है। कि वस्तु व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ऐसी एसन की रिएशन तो मिलेगी ही मिलेगी। अब उसमें हम क्या करें, एसन की रिएशन मिल रही है उसमें हम क्या करें, उस रिएशन का एसन ना करें। रिएशन तो मिल रही है, उस रिएशन का एसन ना करें तो काम होगा। और यही ज्ञानी करते हैं। वो भजन आता है ना, सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं। कि हम क्या कह रहे हैं, हम रो रहे हैं कि समता रख रहे हैं, हम अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं। हम विचार तो करके देखें हम हैं कौन, क्या हम अज्ञानी हैं? अरे हम तो अज्ञानी ही हैं, हम तो हमें ज्ञान कहाँ है, ज्ञान तो सब में ज्ञानी होने पे होता है। कि अरे इतना जान लिया ना आपने, इतना जान के इस बात को समझना कि कोई कुछ भी कह रहा है वो हमारे ही पूर्व जन्मों में बांधे हुए कर्मों का उदय है। दुर्वचन कहने वाले का इसमें रंच मात्र भी अपराध नहीं है, कि रंच मात्र भी अपराध हो। अरे हमने तो पता नहीं क्या क्या बात, तो देखो ऐसा भी लिखा पंडित सरसुजात जी ने तो, कि कोई हमको कह रहा है मी गाली दे रहा, किसी प्रकार की गाली दे रहा है, किसी ने हमको कुत्ता बोल दिया, किसी ने हमको कुछ और बोल दिया, मान लो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज में ले ली, तो वहां ये विचार करना कि भाई इस मम्मे नहीं, मैं अनादि काल से भ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया, कभी ना कभी तो कुत्ता बना ही था, तीरथ में गया ही हूं ना मैं, चारों गतियों में घूमा हूँ, चारों गतियों में घूम घूम के आया हूँ, तो तीरज गति में कभी ना कभी कुत्ता बना होगा। तो कुत्ता कह रहा है तो क्या परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। उसमें उत्तम समाज धर्म के प्रकरण में ये सारी बातें, ये क्रोध को जीतने का उपाय बहुत अच्छा प्रकरण है, वो पढ़ना चाहिए हमको कि क्रोध को जीतने का वास्तव में क्या उपाय है, किस प्रकार से क्रोध को जीता जाए। वहां पे लिखा ऐसा कि अरे मैं तो अनेक बार चोर हुआ हूं, इसने मुझे चोर बोलिया तो क्या हो गया, मैं अनेक जन्मों व्यभिचारी हुआ, जुआरी हुआ, अवच्छ बच्ची हुआ, भील हुआ, चांडाल हुआ, चमार हुआ, बहुत सूकर हुआ, गधा हुआ, इसने बोल दिया तो क्या हो गया, इत्यादि तिरंज गतियों में हो के आया हूं, इत्यादि तिरंज गतियों में हो के आया हूं, और अनेक बार हुआ हूं, एक दो बार नहीं हुआ। अब यदि कोई मुझे कुत्ता, गधा, चोर, व्यभिचारी, कतगनी, अधर्मी कुछ भी बोल रहा है, तो यदि मैं उससे दुखी हो रहा हूं तो ये मैं बहुत बड़ा अनर्थ करता हूं। ऐसा लिखा वहां पे कि उन शब्दों को सुनकर, उन बातों को सुनकर जो दुखी हो रहे हैं वो बड़ा अनर्थ करते हैं।
हमको लगता है कि भाई वो हमारी बात नहीं मानता, हमको लगता है कि उसने हमसे ऐसा कैसे कह दिया, लगता नहीं लगता हमको, अरे उसने हमसे ऐसे कैसे कह दिया, उसको तो नहीं कहना चाहिए था ऐसा कि उसने नहीं कहा है, तुमने ही करवाया है। एक लाइन याद होगी आपको, मैंने बोली थी पहले स्टार्टिंग की क्लासों में, तेरा ही था आमंत्रण, वो लाइन बोली थी ना, बंद समय तू चेते ना चेतन, वो लाइन इस गाथा में फिट बैठती है, बंद समय तू चेते ना चेतन, उदय समय क्यों करे क्रंदन। अब उदय आ रहा था दुखी क्यों हो रहा है, जब बांधा था उस समय दुखी नहीं हुआ, जब क्रोध कर करके गाली देने वाले पर क्रोध कर करके दुखी हुआ, क्रोध तूने दुखी हुआ और दुख से तूने असाता कर्म बांधा, उस समय नहीं चेता, जिस समय समता भाव रखना चाहिए था उस समय तो तूने क्रोध भाव किया, जिस समय तुझे समता रखनी चाहिए थी, जिस समय तुझे स्वरूप की आराधना करनी चाहिए थी उस समय तूने क्रोध किया, स्वरूप की विराधना की। तो बंद समय तू चेते ना चेतन, उदय समय क्यों करे क्रंदन, ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण। अब जो कर्म उदय में आया है, चाहे वो गाली सुनने का हो, चाहे वो चोर सुनने का हो, कुछ भी सुनने का हो, मारा पीटी का हो, किसी ने उसे मारपीट कर दी, तो मेरे कर्म का उदय है। ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण, अब जो इनसे द्वेष किया या किया जो इनका अभिनंदन। अब तूने यदि द्वेष किया, गाली देने वाले से द्वेष किया, चोर कहने वाले से द्वेष किया, मारपीट करने वाले से द्वेष किया, तो क्या होगा? अब जो इनसे द्वेष किया या किया जो इनका अभिनंदन, तो फिर इनसे तेरा होगा जन्म जन्म का गठबंधन। और हमको क्या करना है? जन्म जन्म का गठबंधन करना है क्या? जन्म जन्म तक हमको गाली सुनना है क्या? गाली दोगे तो सुननी पड़ेगी, ये पक्की बात है। ये जिनागम कह रहा है कि यदि आपने आज किसी को गाली दी है तो कल आपको वो गाली 100% सुनने को मिलेगी, उसमें रंच मात्र भी ये मत सोचना कि नहीं मिलेगी, एक्शन की तो रिएक्शन होगी ही। यदि आज आपने किसी को चोर बोला है तो कल आपको कोई चोर बोलेगा, यदि आज आपने किसी को अधर्मी बोला है तो कोई आपको अधर्मी बोलेगा, आज आपने किसी पर कोई आरोप लगाया है तो कल वो आप पे आरोप लगाएगा। पक्की बात है कि आज आपने किसी पर आरोप लगाया तो आप पे आरोप लगेगा। प्रथमान योग में एग्जाम्पल है, ये नहीं प्रथमान योग में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल आता है कि द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है ना, पांच पांच पतियों वाली, ये लांछन क्यों लगा उस पर, ये आरोप क्यों लगा उस पर बताओ, कि उसने आरोप लगाया, उसने पूर्व में एक बहन और भाई जा रहे थे, वो भाई मुनिराज थे और वो बहन आरिका थी, और उनपे उसने आरोप लगाया व्यभिचार का, उसने द्रौपदी जो थी अपने पूर्व में उसने उनपे व्यभिचार का आरोप लगाया, और व्यभिचार के आरोप में क्या हुआ, आज उसने आरोप लगाया और कल आज पूरा जगत पांचाली के नाम से आरोप लगाता है। कि आरोप, यदि आपने आरोप लगाया है किसी पे तो आपको रिटर्न में आरोप मिलेगा, यदि आज आपने किसी का विरह कराया है तो कल आपको विरह मिलेगा। जो भी हर एक्शन की रिएक्शन होगी, ये यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भोगना पड़ेगा, तू मानने वाले पे क्रोध क्यों करता है, क्योंकि ये तो तेरी विराधना का फल है। अरे उसने विरह करा दिया, किसका विरह करा दिया उसने? आपने विरह कराया था पूर्वों में, इसलिए विरह हुआ है। मैं हर देखो अर्थ, इसलिए कल कहा था ना मैंने, ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण, कल ने परसों कही थी ये बात, ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे हुए इतिहास पुराण, पढ़कर सुनकर नहीं समझता यही एक आचार्य महान, कि पढ़ के भी सुन के भी नहीं समझते हम इस बात को, ये एक बहुत बड़ा आचार्य है। आप किसी को भी ले लो,
उसको पवन का 22 साल का वियोग हुआ, विरह हुआ। क्यों हुआ विरह? किसने कराया विरह? उसकी सखी ने कराया विरह। उसकी सखी यदि ऐसा नहीं कहती और उस समय वो ऐसा रिएक्शन नहीं देती तो पति का विरह नहीं होता 22 साल का। कि अरे तूने पूर्व हमें विरह कराया है, तूने पूर्व, उसका पूर्व है ना, उसने पूर्व में क्या किया? उसने पूर्व में अपनी जिठानी को जिनेन देव की प्रतिमा से विरह कराया 22 मिनट का, और 22 मिनट का विरह 22 साल के रूप में सामने आया। मी आपने विरह कराया 22 मिनट का और आपको विरह कितने टाइम का मिला? 22 साल का। मी 22 मिनट 22 साल में कन्वर्ट हो गए। अब हम विचार करके देखें कौन किसका क्या कराता है। इस जगत में जो भी हो रहा है वो सेम किए जो कर्म सुभाषुभ फल निश्चय ही वे देते। जो आपने जैसा कर्म किया है शुभ या अशुभ उसका फल वैसा मिलता ही है। तुम क्यों क्रोध करते हो मानने वाले पर? ये यहाँ कह रहे हैं कि जिसको तू अहितकर्ता मान रहा है कि ये मुझे मानने वाला, ये मेरा अहित करने वाला है, वो तेरा अहितकर्ता नहीं है। उसने तेरा अहित नहीं किया है, उसने तुझे मारा भी है तो उसने अहित नहीं किया है। तो अहित किसने किया है? कि तेरा अहित तुझी ने किया है। इसके लिए ये एग्जाम्पल दिया कि विराधक जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष वर्तमान में अपने को मानने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है? जैसे जैसे फिर ये एग्जाम्पल दिया त्रिंगुल का एग्जाम्पल त्रिंगुल सबको द्वारा बता देता हूं, दो साल में नए जुड़े हैं बाद में। त्रिंगुल का अर्थ है फावड़ा। फावड़ा आता है जो फावड़ा तो बिल्कुल प्लेन रहता है और एक आता है जिसमें ये तीन अलग अलग ऐसे निकले रहते हैं। फावड़े टाइप का ही आता है जो खोदने के काम आता है, जो जिससे मजदूर खोदता है मिट्टी को। एक तो फावड़ा रहता है बिल्कुल प्लेन, एक इसमें तीन निकले हुए हों अलग अलग, उसको बोलते हैं त्रिंगुल। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मजदूर अब मिट्टी खोजने के लिए क्या करता है, तो यहाँ कह रहे हैं त्रिंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य सेम दंड द्वारा, त्रिंगुल के दंड द्वारा नीचे गिरता है। अब मजदूर क्या करता है कि वो नीचे गिराता है, उसको खोदता है ना मिट्टी को, तो नीचे ऐसे करेगा, उसको नीचे गिराएगा, पैरों के नीचे लेके जाना है उसको त्रिंगुल को। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप उस त्रिंगुल को नीचे गिरा रहे हो ना, तो त्रिंगुल दंड स्वरूप आपको नीचे गिराता है, क्योंकि मजदूर को भी नीचे झुकना पड़ता है, मजदूर भी उसको नीचे गिराता है, उसको नीचे गिराने के काल में ही वो भी नीचे गिरता है, वो भी झुकता है ना नीचे। मजदूर ऐसा तो नहीं खड़े खड़े सब काम करता है, झुकता है नीचे। तो यहाँ ये एग्जाम्पल दिया आचार्य देव ने। देखो ये एग्जाम्पल भी बहुत अजीबो गरीब एग्जाम्पल है, क्योंकि आचार्य रहते हैं वनों में और वनों में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, उनको उन्होंने देखा किसी को ऐसा करते हुए, एग्जाम्पल दे दिया। क्या कह रहे हैं? त्रिंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला सेम दंड द्वारा नीचे गिरता है। देखो उसको पूरा कर लेते हैं, टीका पढ़ते हैं इसकी। कथम शब्द रुचि के अर्थ में है, मुझे श्रद्धा में दस्ती नहीं, ये समझ में नहीं आता कि क्यों परिकोप करता है, ये क्रोध क्यों करता है, अर्थात क्यों सर्व प्रकार से कोपायमान होता है। वह कौन विराधक अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य किस पर कोप करता है? हन्ने वाले अर्थात मारने वाले मनुष्य के ऊपर, अर्थात सामने अपकार करने वाले लोग पर। कि अब जैसे यहाँ ये कह रहे हैं अपकार करने वाला मनुष्य अपकार करने वाले पर क्रोध क्यों करता है? कि तुमने गाली दी आज, अब वो तुमको गाली दे रहा है तो क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो भाई यहाँ कह रहे हैं तुमने अपकार किया उसका, तुमने उसका अहित किया और वो आज तुम्हारा अहित कर रहा है, तो तुम उस पर क्रोध क्यों होते हो? संसार में यह सुनिश्चित रीति है कि जो जिसको सुख या दुख देता है वह उसकी तरफ से उन सुख दुख को पाता है। जो सुख देता है वो सुख पाता है, जो दुख देता है वो दुख पाता है। आम का पेड़ बोगे तो आम मिलेगा और बबूल का पेड़ बोगे तो बबूल मिलेगा, कांटे का पेड़ बोगे तो कांटा और फूल का पेड़ बोगे तो फूल। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं ये रीति है संसार की, ये संसार की सुनिश्चित रीति है, अर्थात रीति में फेरबदल नहीं होता, ये रीति इधर से उधर नहीं होती, ये रीति तो ऐसी ही चलती है कि जो जिसको सुख या दुख देता है वह उसकी तरफ से उन सुख दुख को पाता है। जगत में देखा भी जाता है
कि हम किसी से कुछ कहते हैं, हम किसी से कुछ कहते हैं तो कोई तो है जो हमारी बात तुरंत मान लेता है, कोई होता है जो हमारी बात नहीं मानता। अब ये क्यों होता है? हम अपने एक एक कार्य में इस गाथा के लॉजिक को, इस गाथा में जो न्याय दिया है, ये न्याय की बात की है यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने। यहाँ जो ये न्याय दिया है उस न्याय को हम अपने एक एक कार्य पर घटाएं। अब घटा के देखें एक एक कार्य पे कि किसने हमारी बात तुरंत मान ली और कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, क्यों हो रहा है? जिसने हमारी बात तुरंत मान ली, हमने उसकी बात तुरंत मानी होगी, जिसने उसे तुरंत मान ली, कोई हमारी बात बहुत समझा रहे हैं, हम बहुत समझाने के बाद भी नहीं मान रहा है, हम कह रहे हैं भैया ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, लेकिन नहीं मान रहा, वो अपने अकॉर्डिंग ही कर रहा है, तो भैया तुमने भी पूर्व भाव में उसकी नहीं मानी होगी, इसलिए वो तुम्हारी नहीं मानेगा। ये संसार की रीति है, हमको लग रहा है कि आज हम मनवाएंगे, हम तो अपनी मनवा के रहेंगे, कि नहीं मनवा पाओगे, यदि आपने मानी होगी पूर्व में तो तुम्हारी मान लेगा, और तुमने पूर्व में नहीं मानी होगी तो तुम्हारी नहीं मानेगा। उसको एक एक कार्य घट करके देखना गाथा को, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संसार में यह सुनिश्चित रीति है कि जो जिसको सुख या दुख देता है वह उसकी तरफ से सुख दुख पाता है, अतः सामने अपकार करने वाले पुरुष के प्रति क्रोध करना अन्याय है। यदि हम गाली देने वाले पर क्रोध कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। इसको कर लेते हैं, बाकी समय हो गया है अभी, तो कल इसको लेके फिर आगे की गाथा पे बढ़ेंगे। बहुत मीस एक समता भाव को उत्पन्न करने वाली है गाथा, तो कि वास्तव में इस संसार का स्वरूप क्या है, स्वरूप ही रहे हैं, और इन सबके पीछे रीजन क्या है, इन सबके पीछे स्वयं की अज्ञानता, स्वयं की अज्ञानता और मोह रीजन है, तो उन्हीं रीजनों की यहाँ बात कर रहे हैं। हम भी अपनी अज्ञानता को समझकर अज्ञानता को दूर करें और मोह को दूर करें, और मोह को दूर करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी निज निधि निज में बताइए।